बूंदी अपहरण करने वाले मध्य प्रदेश निवासी आरटीओ को कार के साथ बूंदी पुलिस ने झालावाड़ पुलिस की मदद से किया गिरफ्तार। कल बूंदी चित्तौड़ और पुलिया के नीचे गन्ने के रस की दुकान लगाने वाले दुकानदार कालू लाल का किया था मध्य प्रदेश इंदौर निवास सभी कार सवार आरटीओ ने मिलकर अपहरण। सदर थाना सीआई अरविंद भारद्वाज ने बताया कि बूंदी के चित्तौड़ इलाके में गन्ने की दुकान लगाने वाले दुकानदार को मध्य प्रदेश निवासियों ने अपहरण कर उसे ले जा रहे थे। कल इस घटना के बाद में ही सदर थाना पुलिस एक्टिव हुई और बूंदी पुलिस सहित कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा अन्य जिलों में नाकेबंदी करवाई गई। नाकेबंदी से घबराकर आरोपी बीच रास्ते में ही दुकानदार कालू लाल को ढाबा दे में छोड़कर फरार हो गए। पीछा कर रही बूंदी सदर थाना पुलिस ने झालावाड़ पुलिस की मदद से इन आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल आरोपियों ने युवक दुकानदार कालू लाल का अपहरण क्यों किया है और इसके पीछे क्या कहानी है, इसको लेकर सभी 8 आरोपी अलग अलग कहानी बता रहे। फिलहाल आरोपियों से अपहरण की मुख्य वजह की पूछताछ सदर थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। थाने पर एक टेलीफोन सूचना मिली कि चित्तौड़ पुलिया के नीचे से गन्ने का रस निकालने वाले एक व्यक्ति का एक रेनॉल्ट गाड़ी में, सफ़ेद कलर की 7 सीटर गाड़ी में कुछ लोग अपहरण करके ले गए। इस पर मौके पर पहुंचे, आसपास के फुटेज देखे तो गाड़ी का कोटा की तरफ जाना ज्ञात हुआ। इस पर एसपी साहब को सूचना दी गई, जिन्होंने तत्काल कंट्रोल रूम से पूरे ज़िले में नाकाबंदी कराई, साथ साथ कोटा ग्रामीण, कोटा सिटी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक आदि जिलों में नाकाबंदी कराई। नाकाबंदी का प्रेशर बढ़ने से अपहर्ता कालू लाल को ढाबादे के पास छोड़ गए और इनका जब पीछा किया गया तो झालावाड़ पुलिस के सहयोग से आमली टोल पर सभी लोगों को दस्तयाब कर लिया। कितने लोग गिरफ्तार किए हैं? 8 लोग हैं करीब और गाड़ी समेत इनको दस्तयाब कर लिया। क्या कारण सामने आया? कारण की अभी खोजबीन की जा रही है, इनसे पूछताछ करेंगे क्या कारण रहा, कोई पुरानी दुश्मनी है और नहीं कोई कारण है, उसकी गहनता से जांच की जाएगी। अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बोल दिया कहाँ के रहने वाले हैं? ये एमपी के रहने वाले हैं।